आज है 16 जून 2024, इस और दिन है आज रविवार का और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और मैं हूँ इस वक्त पहलगाम में। सुबह कारगिल से निकले थे और शाम को आ गए थे पहलगाम में। जो मेरे गेस्ट है वो यहाँ से दूसरी कार लेकर चंदनबाड़ी की तरफ घूमने के लिए यहाँ से एक लोकल टैक्सी लेकर, तो अब मैं कर रहा हूँ अपने गेस्टों का इंतज़ार। अब देखते हैं गेस्ट कब तक घूमकर वापस होटल में आते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कार पार्किंग सामने कारों के साथ भरी हुई है। 1:10 हुए हैं और गेस्ट चंदनबाड़ी की तरफ घूमकर आ गए हैं वापस कार के पास। चलिए, कितने बजे निकले थे सुबह? सुबह निकलते निकलते कितना बज गया था? 10 बज गया था सुबह निकलते निकलते। और क्या क्या घूम कर आए? आरो वैली, बेताब वैली, चंदनबाड़ी। अच्छा, तीन प्लेस घूम के वापस आ गए। और अभी 1:10 हुआ है और हम जा रहे हैं अब यहाँ पे मार्केट में खाना खाने के लिए। ऐसा करो ना, मार्केट में लंच करके ना और रेस्ट करो आकर, शाम को मौसम फिर टहलना उधर मार्केट मुर्केट, समझे आप? में फिर वो नीचे वो गार्डन है। तो अभी गार्डन में कहाँ घूमने जाएंगे कि जाना है अभी उधर? अभी पहले आप हमने खाना, चलो मैं तो छोड़ दूंगा, फिर उधर अपने हिसाब से देख लेना और फिर अगर लगेगा तो आ जाना और इधर फिर शाम को बैठे रहना 7-8 बजे तक। अभी फिर खाना खा के नदी के पास चले जाना, नदी के पास चले जाएंगे। हाँ, ये खाना, हाँ सब बहुत लोग है वहाँ, बहुत लोग है ये वीडियो। और बाजार जो है वो रात को टहल लेना फिर ना, बाजार तो शॉपिंग अभी नदी के पास घूम ले। मैं इधर ही आ जाऊंगा ना होटल में, जब आपको आना तो मैं ले जाऊंगा। बैठेंगे कहीं नदी के किनारे बैठ जाना ना, वो पेड़ के छाव में देखो यार कितना छाव है, पेड़ है। हाँ, बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। हाँ, उधर पेड़ों के नीचे सो जाना ना, गार्डन में। ये जो गार्डन है ये और नदी के लिए रास्ते नीचे बने हुए हैं। ये देखो, ये अच्छा गार्डन है, अच्छा है ये जो बहुत सारे लोग हैं। वहाँ बैठेंगे आराम से, वहाँ होटल में रूम में क्या बैठना है, रूम में तो घर में बैठे रहते हैं, इधर बैठो ना नदी के किनारे। फिर शाम को कुछ करेंगे, यहाँ आके बैठ जाएंगे आराम से, चल के आएंगे आराम से। इस तरफ है पार्क, ये इधर नदी में, इधर अपने पार्क पूर्क में बैठ बूट के, पेड़ है ना, पेड़ वहाँ अच्छा है। हाँ, तो पेड़ों के नीचे आराम से बैठेंगे, धूप भी नहीं लगेगी, ठंडी हवा आएगी, एसी से भी फर्स्ट क्लास। कितनी गाड़ियां गई हुई थी ऊपर? लगभग तो बहुत सारी गाड़ियां थी। ये देखो, इधर भी पूरी पार्किंग फुल, ऊपर की पार्किंग फुल, ये फुल और अगली जो पार्किंग है उधर भी गाड़ियां लगना शुरू हुई है। ये जब मुझे फोन करोगे ना तो पुल के उस तरफ आ जाना है, ताकि भीड़ भाड़ में कल कैसे जाम जूम इधर लग गया था, तो उधर पुल से टहलते टहलते उधर से ले जाऊंगा मैं। या इतना दूर भी नहीं है, पैदल ही आ भी सकते हैं, उधर आना होगा मजे से। जैसे उस पार्क में होगे तब तो आ ही जाएंगे, तो ही फोन करेंगे आप। हाँ, जरूरत लगेगी तो वही फोन कर देना। हाँ, ये शाम को गाड़ी लेके निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? शाम को कहाँ निकलेंगे गाड़ी, यही है ना मार्केट ही है ना बस, यही मंदिर में कल घूम के जाएंगे। हाँ, तो कल फिर जब यहाँ से तो मंदिर में दर्शन करके और फिर आगे निकलते चलेंगे ना। 9 बजे तो अपने हाँ कल घूमते जाएंगे ना बस, ये रुकते खाते ब्रेकफास्ट करते, ये चाय पिला के 3-4 बार चाय शॉपिंग करके है। तो कल तो टाइम पास चाय पी के करना पड़ेगा। कल शुरुआत किसने की थी चाय से? हाँ बताओ, इन्होंने की थी ना। एक दाना पानी रेस्टोरेंट है ना, उधर देख लेना, बस ये बाजार है ना बस सारा, ये बस ये माउंट व्यू आ गया ना, इसके साथ है ये सागर रत्ना और ये दाना पानी, ये सब खाने के, ये से फिर पीछे की तरफ आ जाना उधर ना, वो दाना पानी आ गया और ये सागर रत्ना वगैरह, ये दाना पानी कर लो। ठीक है,
चलिए जी, 1:17 हुए और मैंने अपने गेस्टों को पहलगांव मार्केट घूमने के लिए दे दिया है। चलिए जी, 1:17 हुए और मैंने अपने गेस्टों को पहलगांव में लंच करने के लिए भेज दिया है और तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आज पहलगांव मार्केट में इतनी टूरिस्ट कारें यहां पर टूरिस्टों को लेकर पहुंची हुई हैं और अब मैं जा रहा हूं कार लेकर होटल में, तो अब जब गेस्टों का फोन आएगा तभी मैं उनको लेने के लिए वापस आऊँगा। इधर से नहीं है रास्ता, खाइए। ये आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी जो पहलगांव की पार्किंग है ये फुल है और इसके ऊपर एक मार्केट में उस तरफ पार्किंग है वो भी पूरी की पूरी पार्किंग फुल है। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टूरिस्ट गार्डन में बैठकर मौसम का आनंद लेते हुए यहाँ पर भी जो है ये पार्किंग फुल होना शुरू हो चुकी है। तो गेस्ट जो है मेरे यहीं कहीं पार्क में लंच करने के बाद पहुँच चुके हैं और अब मैं उनको रहा हूँ ढूंढ, देखते हैं कहाँ पर पार्क के अंदर बैठे हुए मुझे दिखते हैं। बताया तो यहीं कहीं था लास्ट में, लास्ट बेंच, पार्क के लास्ट बेंच पर ये बैठे हुए हैं इधर। आप तो नदी से बड़ा दूर हैं, फिर हवा तो अच्छी आ रही है, मज़ा आ रहा है ना, अंदर भी पसीना ही आ रहा, गर्मी है इधर तो। हाँ बैठिए, कहाँ खाया खाना फिर? आपने छोड़ा था उसके सामने, उधर तो बड़ी भीड़ है, जैसे श्रीनगर वाले ढाबे पे होती है उधर बड़ी भीड़ होती है ना। नहीं आपने जहाँ बोला ना, हाँ अंदर पैर रखने की जगह, ईद का त्यौहार है ना, खरीदी करने वो अभी भी वो बाजार में आते ना, हाँ पूरा वो वहाँ तो वेटिंग में खड़े बेटे। फिर कहाँ का आया? उसके सामने रोड क्रॉस करके, सामने रोड क्रॉस के आगे आएंगे तो वहाँ था एक क्या नाम है उसका, पूनम, पूनम रेस्टोरेंट। अच्छा हाँ, अच्छा मिला उधर भी, उसमें वो डोसा वो सब था वो। चलिए अब तो थोड़ा मौसम बदला है, तो ठीक है आप आ जाओ फिर आराम से। तो डिनर उधर ही करना कि अपने होटल में ही? उधर कहाँ लाइन में लगना है? हाँ फिर आ जाना मजे से, आराम से आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे क्या वो रूम में बैठना। तो नीचे जो पार्क में उनके अखरोट का पेड़ है मैं उसमें लेटा हुआ था, मैं भी नीचे नहीं, रूम में नहीं है पंखा, वो भी नहीं धोया मैंने तो सुबह से। तो ऐसे ही था ना कि आराम करे, फिर आलस जैसा जो आ जाता है जैसे कोई काम नहीं करना होता, तो ये है ना ना। ठीक है अब हुआ मौसम ना, अब हुआ ये टहलने वाला मौसम ना, हवा चलने शुरू हुई ना ठंडी, कुछ नहीं करना है बस आराम ही करना है। चलिए ठीक है, तो फिर आ जाना मार्केट मुर्केट घूम के डिनर डुनर करके, अगर ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो फ़ोन कर देना ना फिर, तो ले जाऊँगा या टहलते टहलते आ जाना होगा तो आ जाना। क्या लिया? अच्छा आज गए बेकरी में? अच्छा ये तो वही है जो चाय के साथ दिया था उस दिन, कुकी बोलते हैं इसको, क्या है कोकोनट कुकी? नहीं नहीं कोकोनट, हाँ हाँ हाँ, जो उधर खाया था हमने दूध पत्री में वही बिस्किट है ये, नहीं नहीं ये वो नहीं, ऐसा ही तो था वो, ऐसा ही था, अलग था वो, अलग था। अच्छा वो ये नमकीन है? अच्छा वो मीठा था, हाँ ना ना ठीक है ठीक है। वो रोटी भी लेनी थी ना एक, वो जो मैंने रोटी बताई थी वो भी एक लेनी थी, वो भी ले लेनी थी एक, मिलेगी मिलेगी इधर एक, वो भी टेस्ट करना क्या होता है, थोड़ा पता तो लगे ऐसे टेस्ट के हिसाब से ही ना। है ना उधर ही बैठता हूँ, उधर भी एक अखरोट का पेड़ है नीचे, उधर ही बैठे हुए हम घास पे, वहाँ वही बैठ वहाँ आ जाते हैं, तो चेयर पे रोटी ना तो बैठने का मजा आता है, चेयर नहीं रखी उसको रखना चाहिए वो गेस्ट को, वहाँ इतना अच्छा हो, इतनी अच्छी लोकेशन है, पर वो तो बैठते हाँ, पर वो नीचे ऐसे ही है। चलो शाम के वक्त तो निकाल देगा आपके रूम में, तो आचे रहे वो बैठना होगा तो ठीक है, फिर आ जाओ आप मजे से। ठीक है ठीक है ठीक, चलो ठीक है ठीक है। चाय पीना है? चाय अब उधर ही पीता हूँ ऊपर ही, तो इधर कहाँ चाय है इधर, अब उधर ही जाना पड़ेगा चाय, तो फिर टिकट लेना पड़ेगा यार, फिर चाय उधर ही मार्केट जब जाओ। किसको? तो ये तो गेस्ट मेरे यहीं पर पार्क में बैठे हुए हैं और अभी तक इनको होटल नहीं जाना है, और अभी एक बार फिर मार्केट जाएंगे और डिनर करने के बाद ही शायद वापस होटल में आएंगे।
मैं जा रहा हूँ फिर से वापस होटल। तो गेस्ट मेरे यहीं पर नदी के साथ पार्क में बैठे हुए हैं और इनको अभी वापस होटल नहीं जाना है। तो गेस्ट मेरे अभी भी वहीं पार्क में बैठे हुए हैं और 4:26 हुए हैं और मैं पहुँच गया हूँ वापस अपने होटल में। और मौसम जो है, ये मौसम एक बार फिर से, और ये आप लोग देख सकते हैं पूरे आसमान में एकदम घने बादल छा गए हैं और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आना स्टार्ट हो चुकी है और बादल भी गरजना शुरू हो चुके हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। और मैं पहुंच गया हूँ होटल में और वो आएंगे शाम को मार्केट घूमने के बाद डिनर वगैरह करके। 8:20 हो चुके हैं और गेस्ट अभी तक भी मार्केट में ही हैं और शाम के वक्त जो बादल आए थे और उसके बाद जो है ये बारिश भी नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कल और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश, जय भारत।